देखिए सर, पार्ट सी बुक है हमारी, पार्ट सी बुक, जिसको आप वॉल्यूम 2 भी कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिसका नाम है, लिखिएगा पहले तो मैं थोड़ा नाम से शुरू करूं बुक का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ये हमारी बुक का नाम, एनालिसिस करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं आपसे थोड़ी ज्यादा बात करूं तो दो एरो ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट, कौन सी होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है पोजीशन, पोजीशन स्टेटमेंट। एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी है, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से मतलब मेरा है आपके साथ, फुल फॉर्म लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ एक, अब प्लस वन की तरह नहीं है, ट्रेडिंग P&L दो दो नाम थे, अब एक ही का नाम आ गया। कौन सा, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा बच्चे बोलते हैं इसको SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट। और ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रहा हूं, वर्टिकल। क्या वर्ड लिख रहा हूं, वर्टिकल, VERTICL, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो आपके काम आएगा। ऐसे बहुत बड़े वर्ड्स हैं जो मेन काम आएंगे, बस वही बनाएंगे। आज आप बन गया जी, इतना लिख लिया। SPL का फॉर्मेट की अभी हम बात नहीं कर रहे, क्या फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करता हूं, तो बनाइए मेरे साथ, हेडिंग दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, कि आप इसको गलत समझें। बैलेंस शीट एज एट, बनाइए जल्दी, बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर्स बिल्कुल साइड पे क्या लिखेंगे, अमाउंट। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे लाइन कॉलम है, बिल्कुल साइड से अमाउंट, बिल्कुल साइड से। उसके साथ एक छोटा सा और कॉलम जिसमें आप लिखेंगे क्या, नोट नंबर। क्या लिखेंगे, नोट नंबर, मींस दैट वर्किंग नोट नंबर उसका। मैंने बहुत बड़ा बना दिया आपके अकॉर्डिंगली, वरना बहुत ब्रीक सा खाली रहेगा यार, कभी हमारे काम भी नहीं आना, खाली रहेगा। तो हमारे सिलेबस में बैलेंस शीट बनाना इज नॉट अ होमवर्क। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, दिस हेडिंग्स आप बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे वाली। बोलो, कर दिया। अब यहां नंबर वन, ऐसा नंबर वन जैसा लिखूं वैसे लिखूं, नंबर वन क्या हेडिंग देना है, ध्यान से सुनना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या हेडिंग है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब फर्क नोट करते जाना सर, पहले तो हम सिर्फ लाइबिलिटीज बोलते थे, अब थोड़ा चेंज तो करूंगा ना सर, बिकॉज मैंने ऊपर बात करनी रहेगी बात बातों में। ये किसके अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं अपन, कंपनी अकाउंट्स, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स के ऊपर क्या लगता है, जल्दी बोलिएगा, कंपनी लॉ। क्या लगता है, कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ हमारे ऊपर कौन सा है, जिसको बोलते हैं आप कंपनीज एक्ट 2013, सर 1956 बहुत पुराना था, अब नया आ गया, बहुत अभी भी पुराना हो गया, तो 2022 आ गया, 2013। दिस इज वाई, कि बताओ बच्चे को, अभी तो पढ़ रहे थे, जैसा मर्जी बैलेंस शीट बना दो, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी, नहीं अब वैसा नहीं बनेगा। किसमें नहीं बनेगा, इन केस ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज हैव अ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, प्रॉपर सिस्टम, कौन एसेट में आएगा, लाइन वाइज आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ये नहीं जहां मर्जी लिख दो। अभी अब एसेट बनाते थे, कार, स्कूटर, फिर कैश, फिर लैंड, बिल्डिंग, फिर डेटर, मतलब मिक्सअप, नहीं ऐसा नहीं होता। थोड़ा सिस्टमेटिक है कि पहले फिक्स एसेट्स फिर करंट एसेट्स, या पहले करंट एसेट्स फिर फिक्स्ड, वो प्लस वन में था। बैलेंस शीट के ऑर्डर्स परमानेंस और लिक्विडिटी, अब वो नहीं है, बट अब स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं इतने ज्यादा डीपली बना रहा हूं, बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
अब इसके नीचे लिखेगा नंबर वन, ऐसा नंबर वन, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नंबर वन, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपको मेन में बताऊंगा, बाकी बुक से। क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड्स। क्या लिखा वर्ड मैंने? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड, ध्यान दीजिएगा, नंबर वन लिखा। इस नंबर वन के आगे आप ए लिखेंगे, ए जैसा लिखाया जा रहा है आपको, शेयर कैपिटल ए, शेयर कैपिटल बी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये बी है मेरा। ए शेयर कैपिटल, बड़े ध्यान सुनिएगा, बी रिजर्व एंड, दो वर्ड्स हैं, एंड सरप्लस। अब इसके बाद जो दूसरा वर्ड न्यूमेरिक नंबर टू, ये न्यूमेरिक बड़ा सिस्टमेटिक है, कहां नंबर वन है, कहां एबीसी है, ये नहीं जाओ मर्जी सर चलते जाओ, ना ना ना, पूरा सिस्टम। अब नंबर टू हमारे सिलेबस में बहुत कम है, पर बैलेंस शीट में किसी और चीज का नाम मनी, वैसे तो यहाँ पे ए बी सी भी है एक्चुअली बैलेंस शीट, जो बुक का फर्स्ट पेज आप खोलेंगे फ्रंट पे ही आपको फॉर्मेट दिखता है, पांचवें छठे पेज पे जाके, तो वहां पे क्योंकि सर वहां ए बी सी था तो मैंने सी इसलिए लिखाया जो हमारे काम नहीं आना। उसमें क्या वर्ड है सुन लीजिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो मेरे काम ही नहीं आना तो मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं। तो जो मेरे बैलेंस शीट रेशियो के लिए काम आएगी, मैं आसान आसान वर्ड बात करूंगा, इतना टेक्निकल बात नहीं करूंगा। अब फिर नंबर टू, वो सी पॉइंट था, नंबर टू आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो मेरे काम नहीं आना तो हम क्यों लिखेंगे। तो हम नंबर टू हमने डायरेक्ट किसको दिया, लिखिए नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। आज आप मोस्टली मुझे वर्ड्स ही सुनकर जाएंगे, ये क्या वर्ड्स हैं, क्या चीज बोल रहा हूं मैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। जब से कंपनी जब नया आया सरकार ने वर्ड्स चेंज कर दिए, पहले हम बोलते थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वर्ड हटा दिए, कुछ नया चाहिए ना लोगों को कि नया एक्ट आया, तो क्या नया आया जिताऊंगा। अब सेल्स बोलते हैं, प्लस वन में बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं सेल्स सेल्स सेल्स, कंपनी एक्ट ने नया वर्ड बोल दिया आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बच्चा सोचे इकोनॉमिक्स का वर्ड आगे अकाउंट्स में डाल दिया, ऑपरेशंस मतलब बिजनेस, फ्रॉम मतलब उससे, रेवेन्यू मतलब सेल्स, बात तो वही थी बट कुछ नया चाहिए। जब प्लस वन एक वर्ड आया था आपके पास कभी कैश बुक में याद हो, चेक्स इन हैंड। अब बच्चा सोचता है क्या भला है, कुछ भी नहीं, जो चेक हमारे हाथ में है वहीं से वर्ड बना दिया, पहले हम उसको कैश ट्रीट करते थे, आपके लिए नया ट्रीटमेंट आ गया। तो कुछ नया, जैसे पहले बोलते थे सैलरी, सुनना वेजेस, स्टाफ वेलफेयर, इतने सारे खर्चे, अब एक नाम आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब नाम इतना प्यारा, दिमाग लगाओ, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्चा करोगे वो किस में जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो सेम यहां वर्ड्स कम करे हैं अपनी बुक ने, बैलेंस शीट कंसाइज करी है, छोटी करी है, तभी नोट्स की जरूरत पड़ी, इसको अगर पढ़ना है इसके नोट्स जाके पढ़ो, पर बैलेंस शीट छोटी दो यार। अब बैलेंस शीट चार पेज की, दिमाग खराब है कौन पढ़ेगा, वेट पढ़ते रह जाएंगे कहां पे क्या दिया हुआ है। अब छोटी से छोटी बैलेंस शीट दीजिए जिससे मुझे टोटल पता चल जाए, हाँ आपके लोन कितने 100 करोड़, अब कहते कौन कहां कहां से, मैं कहता इतना टाइम नहीं है मेरे पास कहां कहां से, अगर देखना है मना नहीं कर रहा, नोट नंबर थ्री पे जाइए, पेज टर्न करिए डेस्क की तरह, वो आराम से बैठ के पढ़िए, हमें क्या चिंता है। आपने पूछा हाँ शेयर कैपिटल कितनी है, मगर 200 करोड़, कहते कैसे, मगर मुझे थोड़ा पता है, आप नोट्स पढ़िए, नोट वन है पेज पे जाइए, रेफरेंस लिखा होता है नोट नंबर वन कहाँ पे, इंडेक्स के इस पेज पे, वहां जाके पूरा डीपली, क्योंकि दिमाग लगाइए पढ़ लिखे हैं, शेयर कैपिटल दो प्रकार की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। फिर आपको कैसे पता चलेगा इसमें इक्विटी कितनी है, आपको कैसे पता चलेगा प्रेफरेंस कितनी है, वो मुझे शो करना अलाउड नहीं है, वरना मैं तो एरो देके दिखा देता हूँ, अपनी हैबिट्स इक्विटी प्रेफरेंस अलाउड ही नहीं है टू प्रेजेंट द इक्विटीज इन द बैलेंस शीट। यहां सिर्फ क्या दिखाना हैड टोटल, जैसे मार्क्स कटे आए 500 में से कितने 400 खत्म, किसमें कितने नहीं पता, टीचर को पूछो, वो टीचर को पता है, आपका मार्कशीट बनती है, ग्रेड कार्ड बनता है, क्यों बनता है, इसलिए तो बनता है डीप एनालिसिस। अब स्कूल में भी गए नंबर बताया अकाउंट्स में कितने 80 में 50, मतलब कैसे पेपर दिखाओ, वो उनका मैटर है मेरा नहीं है, मेरा काम था आपको रिजल्ट बताना, कम आए ज्यादा आए क्यों आए अपना कंसर्न नहीं। सेम यहाँ पे चीज है हेड। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व तो बहुत है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिवेंचर रिजर्व मैं बहुत बोलूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ मैं थोड़ा बताता फिरूंगा कौन कौन सा रिजर्व है, आप जाके नोट्स में पढ़े, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे क्या लिखना है इन ब्रीफ, इन समरी, जस्ट लाइक एस। हाँ नोट्स नंबर तभी दिया गया
वरना पुरानी बैलेंस शीट में कहीं नौ नंबर था, वहां तो खुद लिखती थी हाँ जी फिक्स्ड एसेट में कार स्कूटर बिल्डिंग, ना 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 यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ टोटल वर्क क्या आएगा, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल समझते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखने वाली एसेट तो बहुत ज्यादा है, हमने तो टोटल इकट्ठा लगा दिया जी 50 करोड़, अब उसके अंदर कितने की लैंड कितने का फर्नीचर मुझे कैसे पता चलेगा, यू हैव टू सी द नोट टू, इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। मैंने नोट नंबर बोल दिया, नीचे करता हूँ ठीक। अब आइए नॉन करंट लायबिलिटी में, इसके भी दक्षता चार पार्ट है, बट हम दो लिखेंगे जो हमारे मेन काम आएंगे, मैं बाकी दो अनाउंस कर दूंगा कि क्या है, जब बुक से पढ़े तो नया ना लगे, बल्कि उस चीज के ऊपर मेरा अलग से लेक्चर भी जाएगा कि क्या हेड है, क्यों रखा, इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, सब आएगा ठीक। तो पहले लिखिए सिंपल वर्ड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि जो मेरे आज काम आना है मुझे पहले वो चाहिए, लॉन्ग टर्म फटाफट बोरिंग्स। इसी के साथ दूसरा वर्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कभी वर्ड सुना प्रोविजन, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आज नया वर्ड आएगा आपके लिए, पहले वो सुनेंगे आप, तो प्रोविजंस बनती हैं सर, हाँ जी हमने चैप्टर भी पढ़ा थ्योरी में प्रोविजन एंड रिजर्व्स, अब ठीक है याद नहीं तो डिफरेंट चीज है, तो हर चीज की प्रोविजन बनती है, मतलब इसको बोलते हैं नॉन लाइबिलिटी, नॉन समझते हैं, मुझे पता है अब ये लाइबिलिटी आने वाली है, उसको सोच के जो आप आज ही क्या बनाते हैं प्रोविजन, दैट्स वर्ड प्रोविजन, जो नॉन लाइबिलिटी है पता है लाइबिलिटी होने होने वाली हो तब बनाइएगी, वरना पता ही नहीं, वरना पता तो है नहीं, तो आपको ऐसे कैसे लग गया कि लाइबिलिटी आने वाली है, तो नॉन लाइबिलिटी को देखते हुए, तो लॉन्ग टर्म जो आएंगी 4-5 साल बाद, जैसे डिवेंचर्स को देख के आया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, आज ही पता चल गया कि 5 साल बाद 10 रुपए देने हैं, फिर क्यों ना आज बुक करा जाए, तो दैट्स अ प्रोविजन एंड दैट्स अ लॉस, ये पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज, इसके मैं आपको चारों वर्ड लिख पाऊंगा, करंट शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो इसको मैं अपनी भाषा में बोलूंगा NCL, ऊपर वाले को नीचे ना कर देना, नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं रेशो में बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म लेके चलूंगा, और प्रोवाइडेड आपको समझ आनी चाहिए तब मजा है, नॉन करंट लाइबिलिटी, समझो बात मेरी को, डन है, करंट लाइबिलिटी को क्या बोलूंगा फिर आपसे, CL, अभी चलेंगे अपन करंट लाइबिलिटी, बहुत बोलेंगे करंट ऐसे को CA कौन CL, बड़ा फास्ट मुझसे आंसर करेंगे सर, तो बड़ा आसान है, आसान तभी है अगर बड़ा क्विक आप भी साथ देंगे, अब ऐसे ही बैठ बैठे देखी जाना है फिर मजा नहीं आएगा चक्कर, आपको मजा आएगा कि हाँ जैसे डिवेंचर खत्म किया सर ये भी बड़ा इजी है, फॉर्मूले की गेम है, बड़ा दिमाग चलाना है और मैं चलाऊंगा कैसे, पर वर्ड क्या करना, CL करंट लाइबिलिटी, हाँ बच्चा कहता है ऊपर सर हमने कहते चार वर्ड, अभी दो बोले, दो कौन से रह गए, सुन लेना लिखना नहीं है, कौन से दो रह गए, अदर लॉन्ग टर्म या अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक वर्ड ये है अदर, वो कहते इसके अलावा कोई और है, हाँ वो अदर में डाल, एक और है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैं लिखवाया नहीं क्यों, हमारे नॉलेज में नहीं आएगा, पेपर में आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, हेड सब हेड में कुछ नहीं आएगा, वैसे टीचर ने तंग करने लगे तो जो मर्जी पूछी जाओ, बैलेंस शीट बहुत बढ़िया, हम आज तक जाके CA वालों को पढ़ाते हैं तो फिर प्लस टू के बेचारे निके निके से, आपको तंग करी जाए तो करी जाओ, तो मर्जी है, वरना आपको नहीं आएगा, मेन वर्ड्स आएंगे, हाँ शेयर कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कैप रिजर्व, तो ये आपको पता होना चाहिए, डन। अब करंट लाइबिलिटी के चारों लिखवाऊंगा, लिखिए पहले ए लिखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मुझे लगता है वैसे ही याद हो जाता है, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लाइबिलिटी है, देखो बोरिंग्स लाइबिलिटी तो है, अब छोटी बोरिंग्स लेंगे शॉर्ट टर्म, अब अच्छा था ये कैसे डिसाइड करते हैं आप, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बड़ा सीधा सा फंड है जिसकी लाइफ या टेन्योर एक साल है या एक साल से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म है, एक साल से ज्यादा तो बस कोई ज्यादा लड़ाई लंबी छोड़ी नहीं। नंबर बी लिखिए इसका, नंबर बी ट्रेड पेबल्स, नंबर बी लिखिएगा, कभी नाम सुना आपने इससे पहले, क्या चीज है ये, पेबल प्लस क्रेडिटर, हाँ मैं सिंपल भाषा में क्रेडिटर सुना है, हाँ जी सुना है, बीपी सुना है, प्लस पेबल, हाँ जी उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अभी को ये नया बोल दिया, अब कुछ तो नया करना ही था, तो क्रेडिटर प्लस बीपी, वैसे भी दोनों लाइबिलिटी थे और वैसे भी शॉर्ट टर्म थे और वैसे भी दोनों को पैसे देने ही थे, मैं कहा नया नाम निकालो जो दोनों को इकट्ठी कर दो, अगर एक काम करो ट्रेड पेबल्स, बिजनेस ने किन किन लोगों का पैसा देना है, तो क्रेडिटर और बीपी, तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, अगर लिखना चाहेंगे दिस इज अ मिक्सचर ऑफ क्रेडिटर प्लस
बिल्स पे, आगे भी काम आएगा मेरे, बिल में लिखवाऊंगा। क्रेडिटर प्लस बीपी, डन हो गया। सी लिखिए, अदर करंट लाइबिलिटीज। बच्चा समटाइम्स सोचता है कि अदर करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी, सबने अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग बोला, और मैं हिंट देता जाऊं थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग से मेरा भाव किससे था, छोटे मोटे लोन, और सबसे बड़ा हिंट में से किससे था, बैंक ओडी, कभी सुना है? मतलब हां जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब अपने बैंक से ज्यादा पैसे निकलवा लो, मोस्टली एग्जाम्पल है ना बच्चा, वैसे तो पढ़ता नहीं, एग्जाम्पल से याद भी आ जाए, हाँ यार लोन लिया बैंक ओडी, ट्रेड पेबल क्रेडिटर बीपी, अदर करंट लाइबिलिटी में फिर कौन बचा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपकी नॉलेज के लिए अभी लिखाऊंगा, पहले ही फॉर्मूला मेरा वही है, एडवांस इनकम, दिस इज अदर करंट लाइबिलिटी, ये पता होना चाहिए, लिख लो लिखना है तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अगला वर्ड कौन सा है, एडवांस इनकम, और लास्ट डी वर्ड आपका अभी पेंडिंग है, दैट्स क्या आएगा जैसे शॉर्ट टर्म क्या प्रोविजन, दिस इज माय लास्ट वर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड, इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे तरह से बॉक्स बंद कर रहा हूँ, जिस तरह का टोटल वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, बस ऐसे क्रॉस कुछ भी, मेरे ऊपर कुछ नहीं भरा, बस दिखाने के लिए कि टोटल हो गया। दोबारा शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट बोले ए बी, नॉन करंट लाइबिलिटी के दो बोले ए बी, करंट लाइबिलिटी के मैंने चार ही बोल दी, जो याद होता है खत्म करो, जो याद होता है खत्म करिए। बच्चा पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मोस्टली यहाँ पे तो कोई भी वैसे बोल सकते हैं आप लोग, आ जाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाम सुना कभी, पीडीडी, आप एडमिशन रिटायरमेंट में भी सुनते थे, ठीक है। नेक्स्ट सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर जो मेन चलेगा, जो मेन चलेगा इट्स अ टैक्स, अब मैं कंपनी की बातें करने वाला हूं ना, तो टैक्स की बातें तो होंगी, कंपनी तो टैक्स पे करती है, अब इतना पे करती है, आपको नॉलेज के लिए बता दूं, व्हाई वी यूज अ वर्ड प्रोविजन, बिकॉज इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है, नॉलेज के लिए बताया था, जो हमेशा अगले साल पे होता है, नहीं नहीं चेंज तो होना ही होना है, वो तो डिपेंड ऑन द इनकम, जो अगले साल पे होता है, तो इस साल तो फिर मुझे पता नहीं, मैं जैसे इस टाइम पढ़ा रहा हूं आपको, पैसे कमा रहा हूं, मुझे क्या पता मेरा कितना टैक्स है। आप कहते अगर तुझे नहीं पता बट ये तो पता है पिछले साल दिया था, मैं कहा हाँ जी दिया था, कितना दिया था, मैं कहा लाख रुपए, क्या तुझे लगता है तो इस बार लाख नहीं देगा, मैं कहा बल्कि इस साल तो उससे ज्यादा रिसीट्स हैं, उससे ज्यादा पैसा आया, उल्टा टैक्स ज्यादा बनना चाहिए, कहते फिर हम तभी तो कह रहे हैं एज अ प्रोविजन। फिर यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है आपका कंजर्वेटिज्म, प्लस वन का प्रूडेंस, एंटीसिपेटेड लॉसेस क्या करो शो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स क्या करो इग्नोर, इफ यू नॉलेज दैट क्या टैक्स देना ही है पर ये नहीं पता कितना देना, कोई नहीं कुछ तो शंका बनाओ, कुछ तो शक रखो, दैट्स अ वर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स। और जब कोई है ही नहीं, मैंने नहीं देना तो पड़ेगा, बट ये नहीं पता कितना, फिर हम कौन सा गारंटी मांग रहे हैं, वर्ड क्या बोलते आगे प्रोविजन, इससे प्यारा वर्ड तो हो सकता, जैसा कहते हैं प्रोविजन बाकी चलो, अब यहाँ से मेरे पास पढ़ने आते हैं अपने मोबाइल से अपना बैग वगैरह लेकर आते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे भी बैग में रखते हो, 10, 20, 50, 100 जैसा, और मान लो स्कूटी भी आते हैं, स्कूटी पंचर हो जाए, एमरजेंसी दिक्कत आ जाए, कहीं पार्क करके बाय ओला उबर जाना पड़ जाए, आप कहते मैं तो खाली था तुम्हें, बस ये थोड़ा होता है, हम कुछ पानी की बॉटल वगैरह सब प्रोविजंस लेके चलते हैं, नहीं यूज पड़ी तो अच्छी बात, नहीं पैसे खर्च हुए तो अच्छी बात है, कोई सामान जाते हुए लेके जाना है, स्टेशनरी लेके जानी है, एमरजेंसी याद आ गई अभी लेके जानी है, तो वो प्रोविजन है, तो दीज ऑल प्रोविजन आर, बताया था प्रोविजन बनती किसके लिए है, लाइबिलिटी को देखते हो, टैक्स देना हमारी लाइबिलिटी है, देन वी क्रिएट द प्रोविजन फॉर दैट, एंड सेफ साइड, पहले ही तैयार रहिए उस चीज के लिए कि हाँ ये होने वाला है, और हम बच्चा डाउट ये मांग सकता है, टीचर भी हम भी, हमें कैसे पता कितना होगा, फिर भी बात आया, मैं कहा मैं कौन सा प्रिंटिंग मांग रहा हूँ, पिछले साल जो दिया था उतना ही बना दे, उतना ही बना दे, पर बनाइए जरूर बनाइए, दैट्स अ टू वर्ड्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नीचे ये दूसरा हेडिंग, ऐसा दूसरा देखना, ऐसे वाला कंप्लीट, मतलब ये दिखाने के लिए बड़ा हाईलाइट, नहीं जी मतलब लाइंस पूछ रहे हो आप लोग, हार्डली 5-6 लाइंस होंगी, नहीं होंगी, हाँ होंगी, थोड़ी 10-12 लाइन हो जाएंगी, तो लिखिए एसेट्स, एसेट्स को मुझे ऐसे है ना, जितने वर्ड मैं मैक्सिमम आपको बता पाऊं तो गुड, अदरवाइज तो बैलेंस शीट तो पढ़ाऊंगा। एसेट्स, एसेट्स में नंबर वन ऐसा, अब न्यूमेरिक आया पहले, नंबर टू मैंने दूसरा दिया वो रोमन बोलते इसको, आप कौन सा दिया इसको रोमन में, नंबर वन न्यूमेरिक में क्या हेडिंग दिया सुना, नॉन करंट एसेट्स,
जिसको हम अपनी भाषा में क्या नाम दिया करेंगे, एनसीए। बहुत याद रखिएगा, बना जाएगा एनसीए, नॉन करंट एसेट्स एनसीए। और अगर बुक के अकॉर्डिंग चले उसका ए पार्ट आता है जनाब, पहला पार्ट आता है कौन, फिक्स्ड एसेट्स। उसका ए पार्ट क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, जो एक्चुअली पुराना नाम था, अब इसका नाम भी चेंज हो गया, जबकि एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता था पहले 10 आईसीए द्वारा, हमारी बॉडी द्वारा इशूड है। अब इसका नाम क्या हो गया वो भी लिखवा देता हूँ, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पीपीई लिख लीजिए ब्रैकेट में, पीपीई फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कि फिर कभी पता नहीं चला, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। नाउ कहीं आप गलती से टीचर भाई बार पूछ लेता है, फिक्स्ड एसेट इज आल्सो नोन एज, फिक्स्ड एसेट को क्या कहते हैं आप, टेंजिबल टेंजिबल बोल देते हैं वो टाइप है, तो आल्सो नोन एज अब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये नया नाम हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS 10 लगता है इसके ऊपर, जिसने का नाम चेंज कर दिया। तो हर जगह जहां बोली जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट ठीक है, बट नाउ वी कांट यूज द वर्ड फिक्स्ड, ठीक है बोली जाइए, बट इसका नया नाम आ गया मार्केट में क्या, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसके आगे ऐसा ऐसा, नंबर वन नंबर टू, वैसे तो चार पार्ट है, मैं दो ही लिखूंगा, बहुत डीप है बैलेंस शीट, ऐसी वैसी नहीं है, मैं अभी दो ही लिखूंगा जो आपको आते हैं, मैं चार नहीं लिखूंगा, ठीक है, चार कौन से बता दूंगा, ठीक। पहला टेंजिबल एसेट, नाम सुना हुआ है, मैं वही नाम बोल रहा हूँ जो आपने सुने हुए हैं, टेंजिबल। और दूसरा कौन सा है, इनटेंजिबल, गुड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, सिंपल। टेंजिबल जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दीज आर द टेंजिबल एसेट्स, चेयर्स पर बैठे हैं, टेंजिबल ही तो है, ये लेक्चर स्टैंड टेंजिबल है, एसी टेंजिबल है, देख सकते हैं छू सकते हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल कौन से होंगे, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, नाउ हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग, मतलब बहुत सारे नेम्स हैं, दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। बच्चा कहता और कौन से नाम है, जिसके दो रह गए कौन से, मैं बोलता हूँ सुनना है आपने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या नाम है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये क्या भला चीज है, ये भला वो है, मान लो बिल्डिंग अंडर डिवेलप है, जिसको बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। अब आपने कोई बड़े बड़े फ्लोर बनते देखे होंगे, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 6 फ्लोर बन गए, क्या वो फ्रेम में बने हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई 6 फ्लोर तक बिल्डिंग बन गई, क्या आपका पैसा नहीं लगा होगा। मैं कहा सर पैसा छोड़िए, कितने करोड़ लगे होंगे हमारे 6 फ्लोर तक जाना, और कितने बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। मैं कहा उसको बैलेंस शीट में एसेट कब दिखाओगे, अगर बात तो सही है, तो क्या तब दिखाएंगे जिस साल एसेट बन के तैयार हो जाएगा, या अभी भी दिखाना नहीं चाहिए, 15 करोड़ तो लगा चुके, अभी 25 और लगने वाले हैं, थोड़ी अमाउंट है 15 करोड़, तो मैं फिर मैं दिखाऊं किस नाम के अंदर, अभी तो बनी भी नहीं, खाली है, क्या डेटा है, क्या करूं, बाकी नया नाम होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस सेम चीज। तो ये इसका तीसरा है, और एक और है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, क्या बोला, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, लाइसेंस अप्लाई किया हुआ, आपने मुझे कहा अगर बाहर चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कितनी फीस है, 10 लाख मैंने दे दिए, वेट कर रहा हूँ 3 महीने से लाइसेंस नहीं आया, पर पैसे तो दे दिए 10 लाख तो लग गए, अब 10 लाख लग गए उसको दिखाऊं क्या, ऐसे एसेट, तो किसके नाम से, अभी आने वाला लाइसेंस अंडर डेवलपमेंट, अगर आ जाएगा फिर तो इंटेंजिबल है ही है, लाइसेंस इज ऑल्सो एसेट, हर बंदे के पास थोड़ा लाइसेंस मिलता है, फर्टिलाइजर बेचने का, केमिकल्स बेचने का, अ ड्रगिस्ट जो आपके ये दवाइयां बेचते हैं, केमिस्ट, इनके पास प्रॉपर लाइसेंस की कीमत है। ऑब्जेक्शन पेपर पास कर ले, मान लो MD का, BD का, अब दवाइयों की दुकान मैं खोल लूं तो मैं बेच सकता हूं, बट प्रोवाइडेड आई हैव अ लाइसेंस, तो मैं दिखाऊंगा जी जशन का लाइसेंस है, मैं वहां काम करता हूं, तो किसी का लाइसेंस, बहुत लोग हैं अपना लाइसेंस किराए पे देते हैं, सुना कभी, आपने पेपर पास किया, इसके लिए मैं नाम भूल गया, वो क्या जाते हैं अपने मेडिकल वाले जी, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से साफ हो गया, तो MBBS कहते हैं आप लोग जो दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, डी फार्मेसी, फार्मेसी दो होती है, एक डी होती है एक डी होती है, एक बैचलर्स एक डिप्लोमा, अब डिप्लोमा भी कर सकते हैं नॉर्मल दवाइयाँ देने के लिए, अब अपा तो करा नहीं, कोई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, लेडीज को फीमेल्स को घर में कोई पढ़ रहा होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, अब शादी के बाद कोई अग्री करे ना करेगी तो केमिस्ट की शॉप खोल ना खोल अच्छा ही लगता सिस्टम है, और लोगों के पास पढ़ा है लाइसेंस तो उनको मिल गया, दे अप्लाइड फॉर द लाइसेंस, कोई बी फार्मेसी डी फार्मेसी पास आउट है,
अब हम अगर उनके लिंक में हैं, रिलेशन में हैं, देन यू कैन यूज द लाइसेंस ऑफर, आप उसका लाइसेंस यूज कर सकते हैं, उसको बोल दीजिए कि आपका, बट आपको भी श्योरिटी देनी पड़ेगी आप सही काम करते, कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत दवाई नहीं बेचते, इस पर कोई गलत एक्सपायरी है वो नहीं बेचते, कि लोगों का नुकसान ना, नहीं अगले के नाम पे बेचती होगी कि तूने ये काम कराया, तो लोग बहुत कर रहे हैं। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि आज के टाइम पे जाके वो बी फार्मेसी करें, आज के टाइम पे जाके वो डी फार्मेसी करें, तो पैसा है, दुकान खोल सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, बट वी कैन यूज द लाइसेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, उसको दिखा दो थोड़ा सा पार्टनर, बस उसके लाइसेंस से दुकान चल रही है हमारी, ये सिस्टम होता है। तो ये पता होना चाहिए लाइसेंस इज ऑल्सो एसेट, लोग लाइसेंस क्या एसेट होगी, क्या बड़ी चीज है, बहुत बड़ी एसेट है, बट इनटेंजिबल है, काफी चीज है, एक टुकड़ा क्या वो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, यही बहुत बड़ी बात है। सेम चीज यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल की बात करेंगे, वैसे दो और है, कौन से, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, बुक से पढ़ाऊंगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर इसका बी पॉइंट, अभी तो ए पढ़ा आपने, अभी तो ए पढ़ा, ई पॉइंट तो कैसे, बी पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी पॉइंट लिखना नहीं है डेफर टैक्स एसेट, फिर अदर एसेट हम बात नहीं कर रहे, हम वो बात करेंगे जो पेपर में आए, डन। अब मैं सीधा लिखूंगा नंबर टू, सीधा लिखूंगा नंबर टू, कौन नाम आएगा जल्दी बोलेगा, करंट एसेट्स, जिसको आप ब्रैकेट में क्या नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सी ए, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इसके बहुत सारे नाम है, 5-6 नेम्स हैं इसके, तो कोशिश करते हैं अगर लिंक वाइज याद हो जाए तो गुड्स, तो ही आपके काम आने वाला अभी मेरे लिए। तो पहला नाम आता है जी यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या नाम आता है, करंट, आपके पास इंटेंजिबल के पास स्पेस है एक लाइन की, इंटेंजिबल के पास स्पेस है, ओके, तो फिर एक बी पॉइंट लिख लीजिए, वो रह गया एक लाइन है तो गुड, मेरा एडजस्ट कर लीजिए, वो वर्ड रह गया बातों बातों में ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं तो मुझे नॉन करंट पहले बताने चाहिए। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे 5 साल के लिए शेयर्स में पैसा लगा दिया, एफडी करा दी 5 साल की, लॉन्ग टर्म, वही लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तो एसेट, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या नाम बोलते हैं, एनसीआई, जो काम आएगा मैं भी बोलूंगा एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नीचे मैंने क्या बोला अभी, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे इसका, सी आई, करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसके और भी नाम दो तीन प्रनाउंस करूंगा, रुक जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट। बी लिखिए, वर्ड कभी किसी ने सुना हो आज से पहले, इन्वेंट्री, सुना क्या इन्वेंट्री क्या होता है, गुड स्टॉक, गुड स्टॉक। नॉलेज के लिए एक चीज बता दी जाए, स्टॉक भी कितने तरह का होता है कभी पता है, तीन आपने कह दिया, वैसे 5-6 तरह का होता है, अभी बताने वाला हूं। तो पहला लिखिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कभी सुना है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। नंबर टू डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश, इसको और क्या बोलते हैं लोग, सेमी फिनिश, आधा बन गया आधा रह गया, लिख सकते हैं आप लोग जैसे आपकी इच्छा है, सेमी फिनिश्ड। और तीसरा तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप बन जाएगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं, मैं फिनिश्ड बोल रहा हूं, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, जो भी आप जैसा बोलते हैं वैसा, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी, सेमी फिनिश, जो भी बोलेंगे, ठीक। अब मैं दो तीन नाम और बोल रहा था सुनने के लिए, वैसे काम नहीं आते हमारे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसी का पार्ट है, जो एक्स्ट्रा माल बच गया, जस्ट लाइक ऐसा लुब्रिकेंट ऑयल, लूज टूल्स, कभी नाम सुना हो, स्पेयर पार्ट, छोटे मोटे ना, बड़े लाखों रुपया करेंगे, था मान लो कि रबड़ है जैसे एक फैक्ट्री में यूज होती है, वो खराब हो गई तो डाल दीजिए, जैसे हम नॉर्मल कुछ चीजें लेके रखते हैं साथ में, अब मैं स्टेशनरी लेके रखता हूँ तो क्या होगा, स्टेपलर तो मैंने ले लिए, स्टेपलर के पिंस, अब एक तो खत्म होना ही है, दूसरा डालना पड़ेगा तभी चलेगा वो, मैं मुझे तो बार बार डालना पड़ता है भाई, उसकी लाइफ है कितना चलना है, स्टेपलर देख ही रखा हुआ है, पिन बार बार ले आओ आप लोग, तो अब कुछ ला के रखते हैं पहले, स्टोर एंड स्पेयर्स, वो चीज आ गया, अपना लूज टूल्स, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट हम भी यहाँ पे रखते हैं, लूज टूल्स ला के, कुछ खराब होगी अपने लेवल पे ठीक कर लेते हैं, जैसे प्रिंटर्स वगैरह, बेसिक चीजें वगैरह, मैं भी तो खराब हो गया अब क्या करें, फिर तो हम काम छोड़ के रोज बैठ जा करेंगे, हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी बेसिक, जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन मारी से खराब होगी, आपको वर्कर को ठीक कर लेते हैं, क्यों, उनका रोज का, उनका रोज का काम है, अगर रोज इंजीनियर बनाने लग जाए हम जरूर जाएंगे, रोज इंजीनियर आएगा इतना बड़ा बिल देके जाया करेंगे, इतने पैसे दिया करेंगे, फिर काम कैसे होगा, तो लूज टूल्स कुछ मंगा के रखो अपने घर पे, कुछ फालतू का सामान कभी खराब हो जाए, फ्यूज वगैरह आम होता है फैक्ट्रीज में, क्या उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, कभी नाम सुना आपने,
अब फ्यूज उड़ गया, उसमें होता क्या, अगर आपने देखा कोई फ्यूज लगाने का काम देखा हो, कुछ भी नहीं है, इतना सा लगा लो, या जो बाहर लगे हैं हमारे एंट्री डोर पे पाते हो तीन स्विच लगे हुए हैं, उसमें क्या है, जस्ट एक कॉपर की वायर है इतनी सी, वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो गई या जल गई या खराब हो गई या टूट गई, वो इतनी सी कॉपर की वायर है, जस्ट एक कोने से लेके दूसरे कोने में बांधना है और प्लग को लगा देना है। अगर हमें ना आता हो, हम क्यों सीख जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारी लाइट बंद होगी, सारी क्लास डिस्टर्ब होंगी, इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगा पानी कब आएगा, और आएगा 100-200 रुपए लेके जाएगा, बात क्या थी, जस्ट हमने क्या करा हुआ है, और 5-6 फ्यूज की तारें ऑलरेडी उस शेप की, और बंदे से एक बार गई क्लास कटा कटा के रख ली, जब वो कोई दिक्कत आई बांधी लगा दी खत्म। वो उड़ने का कारण फ्यूज क्या है, लोड ओवरलोडिंग, समटाइम चारों एसी ऑन है, एकदम से लाइट आई और फिर तक कबूल गया, तो इतना बर्डन नहीं उठा पाएगा पूरी बिल्डिंग का लोड, कितना बिल पास हुआ, जैसे हमें घरों में लोड फिक्स है, कितने एसीज हैं, वही चीज यहाँ पे। अब कपड़े की हमने कहा, आटे की एग्जांपल में लेता हूँ, वीट की, वीट घर पे जो आपके पड़ा है रॉ मटेरियल है, आके मम्मा ने उसको गूंथ के रख दिया, तो इट्स अ WIP, आप कच्चा भी नहीं खा सकते, क्या खा जाते हो, ये पेड़े बना के खा के उसकी रोटी बनाई, इट्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसके ऊपर कुछ बन नहीं सकता, वो हमने खा लिया। तो तीनों एग्जांपल आपके घर पे है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश, 50% काम तैयार है, 50 रह गया, फिनिश तो फाइनल है। हाँ, उसके ऊपर लग से जो मर्जी बोली, जो लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर, पर मेन मेरे काम ये आएगा, जो ये आएगा। ठीक, अगला लिखिएगा सी, सी लिखिएगा ट्रेड रिसीवेबल, क्या नाम है, ट्रेड रिसीवेबल, जिसका कॉम्बिनेशन आप मुझे बेटर जानते हैं, क्या आएगा, BR+ डेटर, BR+ क्या चीज है, डेटर, कोई क्रेडिटर प्लस बीपी था, ये डेटर प्लस BR हो गया, इसका डी पॉइंट आप देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, नहीं नहीं मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे कैश एंड बैंक अलग अलग नहीं लिखते, तो बोल तो दिया कैश एंड कैश के जो इक्वल है इकट्ठे कर लो, जैसे सिंपल वही कैश, वही बैंक बैलेंस या छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट्स जो कैश के इक्वल है उसको ऐड कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा ई पॉइंट, आपका ही आ जाएगा इतना का, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, छोटे मोटे लोन लोन देते हैं आप लोग, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड द लास्ट वर्ड अदर करंट एसेट्स, डन सर। ये सिक्स के देखो मैं सारे लिखे, करंट लाइबिलिटी के चारों लिखे और करंट एसेट्स के छह लिखे, यहां नहीं कभी छोड़ी, डट्टो मिलेगा आपको बुक में, घर घर जाके जमे चेक करना, अदर करंट एसेट बच, अगर पूछ लेता है व्हाट यू मीन बाय अदर, कौन सी बच गई, इतना नाम लिखा दिया आपने, कौन सी बच गई अदर, कोई आपने पहले अच्छा ठीक ठीक पढ़ा होगा, मुझे पता है, इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कौन सा, एक्रूड इनकम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अदर करंट एसेट्स। यहां तक कोई डाउट है तो 2 मिनट लीजिए, फटाफट एक ओवरलुक कर लीजिए बस, इसके बाद शुरू करते हैं अपना काम, जल्दी 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 ओवर करिए, वरना मेरी तरफ से चैप्टर का नाम आप लिख सकते हैं अभी के लिए क्या, रेशो या रेशोस लिखिए। पहली रेशो जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं आज, उसका नाम है, लिखिएगा फटाफट, लिक्विडिटी रेशो, नाम में कोई कमी नहीं चाहिए, ध्यान से लिख, लिक्विडिटी, लिक्विड नहीं बोल रहा, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशो लिख दिया नाम जल्दी, इसका ए पार्ट, इसके अंदर 2 रेशो में, पहले हम कौन सी रेशो सीखेंगे, इसके अंदर करंट रेशो, क्या नाम है रेशो का पहले तो, करंट रेशो, दिस इज फर्स्ट रेशो। लिक्विडिटी के 2 पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा, करंट रेशो, इसी को और नाम से पुकारा जाता है, आज इसमें पूरे नाम लिखवाऊंगा आपको, ये पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल रेशो, मिक्स मत करना, जहां पूछा जाए वहीं, कोई डाउट है तो पूछ ले, वर्किंग कैपिटल रेशो, ये इसका नाम है जनाब, लिख दिया पहले तो,
सिर्फ दो नाम से पुकारा जाएगा, इसके नए नाम से नहीं पुकारा जाएगा। क्या? करंट रेशो के नाम से। कहीं कहीं में आएंगे दो तीन नाम, आएंगे दो तीन बोलूंगा, जहां एक नाम है एक नाम करंट रेशो। टीचर बोलेगी कैलकुलेट करंट रेशो, तो बोलूंगा। या कैलकुलेट एक बुक में है वर्किंग कैपिटल रेशो, बता बता ये कौन सी आ गई, करंट रेशो क्या। तो फॉर्मूला बड़ा ज्यादा सिंपल है, ध्यान से लिखिएगा। करंट एसेट्स अपॉन, चलिए फॉर्मूला है इसके अंदर सारा, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन तीन लाइन के क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन चार चार लाइन के बस। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो दोनों की करंट पोजीशन ही आपकी करंट पोजीशन था। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, आराम से लिखिए, मैं बहुत तरीके से चलूंगा। लिख दिया, इसके नीचे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग ऐसे, करंट रेशो इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्या सी एल, शॉर्ट फॉर्म बच्चों ज्यादा अच्छा लगता है। करंट रेशो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। अब इसका ना एक आइडियल रेशियो, नाम सुना कभी, जल्दी बोला करो, नॉर्म वर्ड्स ना, नॉर्म एन ओ आर एम नॉर्म्स, जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड, जिसको आप यहाँ पे वर्ड बोलते हैं थंब रूल। क्या वर्ड बोलते हैं? थंब रूल। कोई भी इनमें सुना होगा आपको, टीचर पूछेगी कि करंट रेशियो का नॉर्म क्या है, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, करंट रेशियो का थंब रूल क्या है, या करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है। तो आप कह सकते हो 2:1, 2:1, समझते हैं मतलब इसका, बोला करो 2:1 क्या है मिनिमम, मतलब आपकी करंट लायबिलिटी से आपकी करंट एसेट्स कम से कम दुगनी होनी चाहिए। मैंने मिनिमम बोल दिया, अच्छा कहते हैं मैं कहूं जगह आपकी रेशियो 3:1 आ जाए, सर बहुत बढ़िया। सोचिए ना, चीप जेब में 3 रुपए देने लोगों के 1 रुपए, बढ़िया ही तो है, बचेंगे कुछ। 4:1 और सर मतलब सुप्रीम। 5:1 और बढ़िया, सर तो फायदा ही है ना, लाइबिलिटी वही एसेट्स करंट, करंट बस आ रही नहीं करंट एसेट्स, तो मैंने बोल दिया ब्रैकेट में, बच्चे बहुत याद कर लेते हैं 2:1 बहुत याद कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं मैंने पढ़ के गया था मिनिमम या मैक्सिमम। इट्स अ मिनिमम, सर कौन चाहेगा कि मैं पर गारंटी दे रहा हूं कम से कम तो 2:1 चाहिए यार, जब कहते पास होंगे कम से कम 35-40 तो चाहिए यार, उससे डाउन जाएंगे तो खत्म है काम। तो मिनिमम इज दैट रेशियो एक कंपनी की, ये रेशियो आपकी बताती क्या है ये भी लिख लीजिए, भी आपकी टीचर पूछेगी इसके ऊपर हमें क्या करने को कमेंट। तो हमने सिंपल बताना है शॉर्ट टर्म, हमने क्या बताना है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, इज सेटिस्फैक्ट्री और क्या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलना गुड बैड फलाना दिन का, ऐसा कुछ नहीं बोलना, बस सेटिस्फैक्ट्री या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्या लिखेंगे पहले तो मैं पूरा लिखवाऊंगा बुक से दिखाऊंगा। अवर रेशियो इज दैट, बट अवर आइडिया रेशियो इज दैट, सो अवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन SHFP is satisfactory or not satisfactory. फालतू नहीं गुड है बैड आपको बोल रहे होता, सिंपल सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं कराया व्हाट डू मीन बाय करंट एसेट, किसी लिखवाया था व्हाट डू मीन बाय करंट लायबिलिटी, अभी लिखवाऊंगा अपनी भाषा में लिखवाऊंगा, पहले अभी फॉर्मल लिखवा। तो भी पूछ ले करंट रेशो कितने तरह के रेशियोज है, पहला तो लिक्विडिटी, चार तरह के रेशियोज है, उसके आगे पार्ट्स हैं। पहली कौन सी बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के कितने पार्ट्स हैं, दो। नंबर वन करंट रेशियो, फॉर्मूला सी ए बॉन सी एल, करंट एसेट बॉन करंट लायबिलिटी, आइडियल रेशियो थंब रूल नॉर्म स्टैंडर्ड 2:1, इट्स अ मिनिमम। मैं कहा चलो मान लो 2:1 आ गया या रेशियो 2:1 से ऊपर आ गई, तो होगा क्या, इससे ये पता चलेगा हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। देन अगली रेशियो बी रेशियो लिखो, फिर इसके बारे में लिखेंगे अपन बी। जो लिक्विडिटी का ही पार्ट है, क्या नाम है दूसरा, क्विक रेशियो,
क्विक ले दिया, इसी का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, मिक्स मत करना, वो लिक्विडिटी था, समझ आया? और ये लिक्विडिटी हेडिंग है, ये लिक्विड रेशियो है। और इसी का तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीन तीन नाम है जी। हाँ जी, जी तीनों नाम एक ही है, मतलब पेपर में कोई नाम देके बुला ले आप, हो गए इसी को बुलाया। क्विक रेशियो QR बोलते हैं हम लोग, एसिड टेस्ट ऐसे ही बोलते हैं, LR लिक्विड लिक्विडिटी, फिर बोल रहा हूँ पेपर में आया, बच्चे गलत कर रहे, पेपर में आया कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, तो वहां पे दोनों निकाल ली थी, वो बच्चे क्या करे, सिर्फ नहीं निकाले, ये लिक्विड मांगे नहीं, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज अ पार्ट ऑफ टू, करंट और क्विक। तो इसका फॉर्मूला क्या है लिख लीजिए, क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, आपको फायदा हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी नीचे क्या है, सेम पहले भी नीचे डिवाइड बाय क्या था जल्दी बोलो, करंट लाइबिलिटी, अभी क्या है करंट लाइबिलिटी। हाँ, क्विक एसिड्स को और किस नाम से बुला सकते हैं, लिख लीजिए लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स, क्विक एसिड्स को और किस नाम से बुला सकते हैं आप, लिक्विड एसिड्स, डन, इसको ज्यादा तंग नहीं करते, डन है। हाँ, इसका भी थंब रूल नॉर्म है, लिख लीजिए आइडियल रेशियो, नॉर्म्स, आइडियल रेशियो, नॉर्म, स्टैंडर्ड, थंब रूल वो है सर 1:1 मिनिमम, मतलब इक्वल, ये आपकी क्विक एसिड्स इतनी तो हो, वो इक्वल हो किसके, करंट लाइबिलिटी, बस डाउन ना चाहिए, इक्वल भी हैं, देन अवर पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी, भाई गुड बैड नहीं, सेटिस्फैक्टरी या वो कौन सी पोजीशन, वही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लाइन वही है, लाइन वही है, बार बार कॉपी नहीं करेंगे, बुक्स में सब कुछ आएगा, SHFT FP शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, डन हो गया, ओके रिपोर्ट है। अब लिखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, तो शुरू करता हूं पहली एक्सप्लेनेशन, बाकी तो मेरे फॉर्मूले तो हो गए, तो अब यहां से लिखना स्टार मार्क करके शुरू करेंगे, हेडिंग दीजिए साफ साफ क्या, करंट एसेट्स, जल्दी प्लीज फास्ट, करंट एसेट्स, पहले मैं अपने अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा, बाद में थोड़ा स्पेशियस सा लिखिएगा खुला खुला, उसके मैं बॉक्स करवा के नया नाम लिखूंगा जो आपने आज बोला, ठीक है, पहले मेरे अकॉर्डिंग लिख लो जो देसी नाम थे, क्या कैश कॉमा क्या बैंक बैलेंस, कैश कॉमा बैंक बैलेंस, जो पुराने नाम पढ़ते हैं आपको, कैश नहीं है डी की बात है, कैश बैंक बैलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल मार्केट लिख के एबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीन वर्ड हो गए। अगला लिखिएगा, अगला वर्ड है स्टॉक, अगला वर्ड है स्टॉक, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सेप्ट लूज टूल्स, लूज टूल्स नहीं आएगा, एक्सेप्ट क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, एक्सेप्ट लूज टूल्स, लूज टूल नहीं आएगा, जानकर कंफ्यूज होगा, नहीं दिया तो कुछ वरना दिया हुआ है स्टॉक 1,00,000, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग 10,000 लूज टूल, वो माइनस करके उठाना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड डेटर्स, और ब्रैकेट में एक वर्ड लगा दीजिए क्या, नेट, मतलब आफ्टर माइनस द पीडीडी अगर दिए हुए, क्योंकि आप करंट पोजीशन देख रहे हैं तो आज का हालात तो यही कहते हैं कि पैसे मरेंगे, फिर आप कैसे कह सकते हैं पैसे आएंगे, तो फिर नेट लेके चलिए ना, जो आज की पोजीशन है, मैं कौन सी कल का करोड़पति बन जाएंगे, कल छोड़ा आज का, आज क्या हाल है, कल को सारी बनेंगे, आज की हाल देख के, तो ये डेटर्स नेट, स्टॉक डेटर्स नेट हो गया, जल्दी बोलेगा, लिख दिया। इसी से लिंक अगले वर्ड लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको आप एडवांस टैक्स भी कह सकते हो, वर्ड आया था इसमें, एडवांस भी तो प्रीपेड होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
एक वर्ड और आएगा, वो कौन सा है? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। एक लास्ट रह गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर योर करंट एसेट्स। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आराम से सोच लीजिए, मैंने लाइन में क्यों लिखे। एक्चुअली कैश, बैंक और मार्केटेबल, वैसे तो व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, छोटी मोटी सिक्योरिटीज जिनकी लाइफ ही 2-2.5 महीने होती है, 3 महीने होती है, छोटी बचती है, पोस्ट ऑफिस वाली, बैंक वाली, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी। और भी नाम बोल सकता हूं मैं, करंट इन्वेस्टमेंट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, नाम से बचा टेम्परेरी है। तो इन तीनों के आप मत करिएगा, आप सुन लीजिएगा, बाद में नया नाम लिखवा दूंगा। इन तीनों के बॉक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं अपनी भाषा में, इन तीनों के बॉक्स को मेरी लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो मैंने लिखवाया था वर्ड, तो ये होता है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कभी को टीचर मैं पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नाउ यू कैन से दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलेगा। कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस, और तीसरा कौन सा? मार्केटेबल सिक्योरिटी। हाँ करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन हुआ, जल्दी बोलिए। इस वर्ड को आप अपनी इंग्लिश भाषा में क्या नाम देते हैं? मैं तभी थोड़ा स्पेस छोड़ने को बोल रहा था, याद है इन्वेंट्री। तो मैंने कुछ नया नहीं बोला आपके लिए, इट्स अ इन्वेंट्री। कि हाँ सर अभी तो पढ़ाया आपने, हाँ लूज टूल नहीं आएंगे, स्टोर स्पेयर सब कुछ आ जाएगा, कहीं बोलेगा जाके वो। तो लूज टूल्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री या करंट एसेट स्टॉक, ठीक है। एक वर्ड रह गया, बातों बात तुम्हें बताना, डेटर का छोटा भाई रह गया, कौन है वो? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अब मैं इसको बॉक्स कर सकता हूं ना, इसलिए मैंने करा। अगर इन दोनों को बॉक्स करता हूं जशन, तो यहां नया नाम क्या आता है, जल्दी बोलिएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। इसलिए मैंने आपको पूछा था, दैट्स व्हाई। लिखते जाइए, आपको पूरी कहानी समझ आएगी कहां कहां से। पुराने वर्ड इसलिए उठाए, प्लस वन से बड़े होते हैं, प्लस टू के नए हैं वो भी सीखने पड़ेंगे, सो दैट्स व्हाई। ये भी हो गया, प्लस टू कुछ नहीं करा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले ही लग से है, जिसको आप क्या नाम क्या क्या बुलाती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बुलाते हैं इसको आप? करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिनकी लाइफ एक साल या एक साल से कम है, दैट एसेट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। सिंपल, डन हो गया। जो बाकी दो वर्ड बचे, कौन बचे अभी बोलो? प्रीपेड और कौन बचा? एक्रूड। इट्स अदर करंट एसेट्स। देख लीजिए, दीज आर माई नए वर्ड्स जो मैंने आपको अभी बयान शीट में लिखवाए, और आप मैच भी कर सकते हैं। हाँ सर वही वर्ड, चेक कर लो वही वर्ड है। पहला वर्ड करंट इन्वेस्टमेंट आपको बैठा है। अब वैसे कराता तो मजा ना आता, पर आपको मैंने पहले बैलेंस सिखाई, अच्छी बात है, वरना लास्ट टाइम सिखाई नहीं थी, पर मैं पहले वर्ड्स सिखाता सीधा बच्चों को, पहले लास्ट ईयर की। कैश बैंक बचे अभी करता है। करंट एसेट का मतलब जो ज्यादा क्विक है, कौन सी? कैश जेब में है, बैंक बैलेंस बैंक में पड़ा है। दूसरा कहां से ले लेंगे बोलो? स्टॉक बेच के। स्टॉक बेच के ले आएंगे तो कहेंगे डेटर आएगा, ये डेटर से बी आर, 5 वर्ड्स। दो फाइनल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, कौन सी? प्रीपेड और एक्रूड इनकम, 7। एक बचा इन्वेस्टमेंट, लोन भी आ सकता है, बचा कहते सर लोन, वो भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को लोन देते हैं बट फिर लेते नहीं है, देते हैं, इट्स इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पर मैं बीच में कवर कर दिया, ये भी आ गया, देख लीजिए। कोई डाउट है वर्ड बताइए। हाँ कुछ वर्ड नहीं बताए, स्टॉक में इन्वेंट्री नहीं आएगा, डेटर मुझे क्या चाहिए? नेट, बाकी सब ठीक है। चलो आगे चलिए, तो यहाँ पे पेन चेंज करके अगला वर्ड लिखना शुरू करते हैं, करंट लाइबिलिटी। अबाउट किसके है? करंट लाइबिलिटीज, लिखिए फटाफट करंट लाइबिलिटीज। इसके अगर जेन्युइनली देखें, जेन्युइनली आपने मुझसे 4 वर्ड्स ही अपनी बुक में पढ़े हैं, 4। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो आज बैलेंस में देखा है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यही पढ़े। बट मैं पहले अपने अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा, लिखिएगा। इसमें कैश वगैरह तो होता नहीं, कि कैश का ऑपोजिट क्या बोलेंगे?
तो बैंक का ऑपोजिट शुरू करते हैं किस वर्ड से लिखिएगा? बैंक कोटी, बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूं आपको याद हो जाएंगे, बैंक कोटी। क्रेडिटर का ऑपोजिट बताइए क्या होता है, सॉरी डेटर का। बीआर का बिल्स पेबल, तभी तो आपके लिए लिखा, ये दो वर्ड और आ गए, तीन हो गए, बैंक कोटी, क्रेडिटर, बीपी। प्रीपेड का ऑपोजिट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्रूड इनकम का एडवांस इनकम, वहां पैसे मिले नहीं या पैसे पहले ले लिए, इट्स एडवांस इनकम। फाइव वर्ड्स हुए नहीं हुए, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हो गया मेरे अकॉर्डिंग, तो ट्रेड पेबल हो गया, अदर भी हो गया। अब रह गए तीन वर्ड, वैसे तो दो ही बचे जो मेन, तीन कौन से धक्के से बनाने वाली बात है, एक तो लिखो शॉर्ट टर्म लोन्स, वहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन है, छोटे मोटे लोन अगर आप जो देते हैं तो लाइबिलिटी का पार्ट है। और दो वर्ड नए हैं, फटाफट लिखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये पता होना चाहिए, मैंने कठे वर्ड कर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और एक लास्ट वर्ड है अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड वर्ड समझते हैं, जो डिविडेंड अभी शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया, मतलब हमारी तरफ से चेक बन के गया था आपके घर पे, पर अब नहीं मिले तो चेक क्या हो गया, वापस, पर आप आते ही मंगोगे, आप कौन सा सदा के लिए बाहर चले गए, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, पचास दिन, अब साल के बीच में तो आ ही जाओगे। तो कंपनी उसको अपने क्या बना के रखती है, करंट लायबिलिटी। जैसे मैं किसी के पैसे देने में जेब में घूम रहा हूँ, देनी है आज नहीं तो लोग कल दे देंगे, देने तो है ना, दैट्स अ लायबिलिटी, तो करंट क्यों है, अभी देने, कौन सा छोड़ दोगे साल साल तक, नहीं देने पड़ेंगे, इट्स अ करंट लायबिलिटी। अब इनके वर्ड्स जो हमने बनाए थे, एक बार आप ट्राई करिए, वर्ड क्या था, बैंक कोडी का हमने क्या बोला था, जल्दी बोलिए, शॉर्ट, जहां लिख पाए आप लोग, टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट फॉर्म वैसे उसको बोलते हैं एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्रेडिटर और बीपी को हमने क्या नाम दिया था, बिल्कुल सही, मैं यहां कर देता हूं, यहां स्पेस है थोड़ी सी मेरे पास, ट्रेड पेबल्स पता होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, और आपका ये मैं ऐसे कर देता हूं, अनक्लेम डिविडेंड वगैरह जो भी है, ये मतलब चार वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म लोन, अनक्लेम डिविडेंड, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज, ओसीएल, अदर करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स को तो मैं आपके लिए एक ही नाम दूंगा, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बाकी बुक के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन है, वहां से हम करेंगे करेंगे, बट अभी के लिए यहां से करना चाहिए। यहां तक हुआ, जल्दी बोलिए, डन। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके बाद क्विक एसेट्स, यहां स्टार मार्क करके क्विक एसेट्स, जिसको आप अपनी भाषा में और क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स या क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लिखिएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, आपको के साथ जो पीछे बढ़कर आए हैं, मैं कहा जी वही आठ के आठ नाम जो भी आपने पढ़े थे, छह आठ जो भी पढ़े थे, माइनस इनमें से सिर्फ दो एसेट माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स। दो एसेट कौन सी, इन्वेंट्री, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, स्टॉक, वही विदाउट लूज टू, रिमेंबर दैट, कितने जहां कुछ नया आ गया नहीं, वही विदाउट लूज टू, जो वहां था वही,
ये नहीं वहां कुछ और ले लिया, यहां कुछ और ले लिया, फिर काम खराब हो जाएगा, ये रखिएगा। और माइनस दूसरी एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसमें आपका एडवांस टैक्स भी आ गया, प्रीपेड भी आ गया, जो भी होगा, इन दो एसेट्स को माइनस कर दीजिए किसमें से, करंट एसेट में से, तो आपका क्या आ जाएगा जल्दी बोलिएगा, क्विक क्या हुए, इसको मैं क्या भाषा में बोलता हूं, क्यूए या एलए, लिक्विड एसेट्स। अब ये नहीं सारी एसेट याद करिए, आप करंट तो याद करके बैठी हैं, उसी में से इन्वेंट्री विदाउट लूजफुल जो थी और प्रीपेड माइनस कर दीजिए, बिकॉज कंपनी का मानना है ये ऐसी एसेट्स हैं तो इतनी जल्दी क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग था करंट और नॉन करंट में फर्क क्या था, करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो इजिली विद इन वन ईयर, इजिली विद इन वन ईयर कन्वर्टेड इंटू कैश। अब स्टॉक इतनी इजी नहीं होगा, मेरी दुकान है, करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा है, फ्री में भी नहीं बांट सकता, नुकसान हो जाएगा, सेल भी लगाऊंगा तो ढाई तीन चार महीने का पैसा मंग रहे हो ज्यादा ही है। जैसे आने के बाद आपने पंचकूला देखा होगा, बड़े शहर हैं या बोर्ड लगाते हैं डिस्काउंट के नाम पे स्टॉक क्लीयरेंस, हाँ ऑफर लोग आते हैं जी, डिस्काउंट ऑफर तो फ्री में नहीं दे सकते, क्यों, माल अपना है, पैसे भी इकट्ठे करने हैं, तो स्टॉक क्लीयरेंस लगा दो कि हम दुकान खत्म कर रहे हैं, इसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट का काम करेंगे, तो स्टॉक क्लीयरेंस, तो फिर भी इट्स टेक अ टाइम, नॉट ये कि आज बोला और कल हो गया। प्रीपेड, आप एडवांस में पैसे देते हैं, वो कैश नहीं होंगे दोबारा, गए गए खत्म। हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अगर आपको पहले कभी पता हो, हम दुकानों पे जाकर रिचार्ज कराते थे और आपको मोबाइल नंबर लिखवाते थे किस पे पैसे डालने, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, और आपसे एक बार टाइप भी कराते थे कि आप टाइप करिए, आप भी एक्टर की तरह टाइप कर रहे हैं, और कहता बेटे ध्यान से देख ले, अगर पैसे चले गए दोबारा वापस नहीं आएंगे, कारण क्यों, मैंने तो बटन दबाना है, अपना कोड भरना है, पैसे चले गए, अब कल को कहते सॉरी तो गलत नंबर चले गए, अब मेरी गलती नहीं है, प्रीपेड पैसे गए तो गए, अब रिचार्ज कराते हैं मोबाइल पे, पेटीएम करते हैं, पूछ नहीं गए तेरा नाम है, समटाइम वो दुकान का नाम कुछ और है, वो क्यों नहीं उठाता, सिर्फ उसका नाम शो कर रहा होता है, तो पहले पूछते हैं जी आपके नाम से, ये कि नाम का दुकान तो है नहीं, कई लोग अपने बिजनेस के नाम से रखते हैं, जैसे मैं रखूँ अपने नाम से साइड हो जाता है, अगर मैं रखूँ एसडी कॉमर्स के नाम से, फिर भी लोगों को लाइबिलिटी को, हाँ हम एसडी कॉमर्स से बच्चा पढ़ता है वहां पेमेंट दे रहे हैं, वहां साइड कोई कौन है पता ही नहीं, चलो मैंने लिंक ही एक बंदे से, आप कोई प्रोडक्ट में आ जाइए, कंपनी में आ जाइए, मैड ओवर वहां करने जाइए, स्कैन तो नाम भी मैड ओवर ही आएगा, राम श्याम नहीं आएगा, हमें क्या पता, खड़े मैडो पे नाम राम श्याम, हमें क्या पता, तो वहां नाम वही होना चाहिए, तो पूछना आपकी ड्यूटी है, क्यों प्रीपेड पेमेंट बटन दबा, आपको मन में हो गया यार मेरी तरफ से तो पैसे कट गए, अब मैं दोबारा क्यों करूं, पहला कहता मुझे तो मिले नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, अब तुमने किसको करे, उसको फोन करो के वो वापस करता नहीं करता, आपको पति हाल से तो कोई गारंटी नहीं, अजय कंप्लेन लगे करेगा मेरे पास तो आगे ना, मैं मेरी ट्रांजेक्शन थी, मेरी बात नहीं समझते, वो तो आप आज की बातें कर रहे हैं ना, हम तो आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अब कंपनी में आ जाओ, स्कूल कॉलेज में आ जाओ, आप कॉलेज में जाते हैं, अब ये आपके लिए बात पे आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आप कॉलेज गए फीस भराए, पहली फीस भराते हैं आपसे कॉलेज में, लाख रुपए भरा लिए और रिफंड नहीं करते, हेलिक्स में चले जाओ, प्लस वन का बच्चा एल एन में दाखिल करा दो, डेढ़ लाख रुपए फीस है, आप दस दिन बच्चे का मन नहीं लगता, ना लगे कर ले जाओ, रिफंड नहीं होता, पर वहां भी पॉलिसी आ गई बस कल, कि आप ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, इतने दिन उन्होंने बुक्स को नहीं खोलना या फलाना नहीं करना, फिर तो नहीं पैकिंग ना खोलिए, ये ना करिए, तो अब एस डी कॉलेज में बच्चों ने करा एडमिशन ली और सीट छोड़ दी, सीए कर रहे होते हैं सीट छोड़ दी, तो उन्होंने क्या करा, जस्ट 1500 रुपए काटे, बाकी सारे पैसे वापस कर दिए, अब कोर्ट का डिसीजन आ गया इस चीज के ऊपर कि लोगों का अगले का यूज करा क्या, बट यूज नहीं होना चाहिए, पर सीट खाली करिए साथ के साथ नोटिफिकेशन, या विद इन इतने टाइम स्पैन में हमें बता दीजिए, हम आपके पैसे नहीं रखेंगे, पॉलिसी पढ़ना आपका काम होगा, तो ये सारा कंसेप्ट था। तो तीन वर्ड सीखे, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, दो ही मेन थे, और क्विक एसेट, करंट लाइबिलिटी सेम है, थंब रूल लिखा दिया, फॉर्मूला लिख लिया, पूरा वर्किंग लिख लिया, और लास्ट पॉइंट रह गया, इसके बाद खत्म करिए, लिखिए वर्किंग कैपिटल, इसका एक बेसिक का फॉर्मूला छोटा सा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, लिखिएगा करंट एसेट्स माइनस क्या, करंट लाइबिलिटीज, ये आपको पता होना चाहिए, खत्म, करंट एसेट्स माइनस क्या, करंट लाइबिलिटीज, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां लिख देता हूं, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, ये हम बोल के चलेंगे। आज हमारी एक रेशो खत्म है वर्किंग में, और प्लस टाइम लग गया ड्यू टू वो फॉर्म और ड्यू टू वो बैलेंस शीट,
पर बैलेंस शीट भी जाननी जरूरी थी, थोड़ी सी समझाई, कुछ पार्ट काट दिए, बट बुक से करेंगे। तो ये हमारा मेन कंसर्न, विदाउट डन है जी। ठीक, ओके रजी, थैंक यू।